तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीसेट बनाना सिखाऊंगा फ्रेंड्स, जो कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ इस टाइप का प्रीसेट बना सकते हैं, नेचुरल ग्रीन प्रीसेट, जिसको आप लोग अपने फ़ोटो में किसी भी फ़ोटो में यूज करेंगे तो वन क्लिक में आप लोग का फ़ोटो एडिटिंग होकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को हल्का सा भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सिंपल फ़ोटो, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये फ़ोटो कैसा है। सबसे पहले इस फ़ोटो को शेयर कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, और उसके बाद आप लोग देखते रहिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लाइटरूम एप्लीकेशन में आप लोग जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ जो नीचे की तरफ लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, और उसके बाद इस एक्सपोजर को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, और कंट्रास्ट को हल्का सा माइनस में रखेंगे, हाईलाइट को माइनस में रखेंगे, शेडो को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, वाइट्स को माइनस कर लेंगे, और ब्लैक्स को भी कुछ इतना तक माइनस में रखेंगे फ्रेंड्स। और बस इतना काम हो जाने के बाद यहाँ जो कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है नीचे की तरफ, उस पर क्लिक कर लेंगे, और फिर यहाँ जो मिक्स टूल दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और रेड वाले के ह्यू को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे कुछ इतना तक, और इसका सेचुरेशन को भी कुछ इतना इंक्रीज रखेंगे, और उसके बाद इसके लुमिनेंस को भी कुछ इतना तक इंक्रीज कर लेंगे। और बस इतना काम हो जाने के बाद यहाँ जो ऑरेंज कलर दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेंगे, इसका सेचुरेशन हल्का सा माइनस में रखेंगे, और इसका लुमिनेंस पूरा 100 कर लेंगे फ्रेंड्स कुछ इतना तक। और बस इतना काम हो जाने के बाद इस येल्लो वाले कलर पर क्लिक करेंगे, और इसका सेचुरेशन पूरा माइनस, और इसका ह्यू पूरा 100। आप लोग देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीन कलर में हो चुका है। तो सिंपली इतना हो जाने के बाद इस ग्रीन वाले कलर पर आएंगे, इसका सेचुरेशन कुछ इतना तक इंक्रीज रखेंगे, और इसके ह्यू को हल्का सा माइनस में रखेंगे कुछ इतना तक, और उसके बाद से इसके लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, और उसके बाद बाकी सबका सेचुरेशन पूरा माइनस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कुछ ऐसे ही कर लीजिएगा। और बस इतना हो जाने के बाद हम इसको यहाँ से डन कर लेंगे, और फिर यहाँ जो टेम्परेचर दिख रहा है इसको +4, और टिंट को -4, वाइब्रेंस को +8, और सेचुरेशन को -4, इतना ही आप लोग रखिएगा फ्रेंड्स। समझ में नहीं आएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ जो ऊपर की तरफ ग्रेडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेंगे, और हल्का सा अपने फ़ोटो में कलर ग्रेडिंग करेंगे। वो कैसे होगा आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो इस 3 नंबर वाले पर आ जाएंगे, और इसको हल्का सा ब्लू की तरफ रखेंगे, ये जो बीच में बिंदु दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको हल्का सा ब्लू की तरफ खींच लेंगे कुछ इतना तक। और उसके बाद से इस 4th नंबर पर आएंगे, इसको भी हल्का सा ब्लू की तरफ रखेंगे कुछ इतना तक, और फिर इसको यहाँ से डन कर लेंगे। और इतना काम हो जाने के बाद यहाँ जो नीचे की तरफ इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेंगे, और इसमें क्लियरिटी को कुछ इतना तक इंक्रीज कर लेंगे कुछ इतना तक, और उसके बाद इसके विगनेट को हल्का सा माइनस में रखेंगे। और बस इतना हो जाने के बाद यहाँ जो डिटेल्स दिख रहा है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें शार्पनिंग को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, रेडियस को पूरा माइनस कर लेंगे, और डिटेल्स को कुछ इतना तक इंक्रीज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ जो नीचे की तरफ ऑप्टिक्स वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेंगे, और इन दोनों को ऑन कर लेंगे। सेम ऐसा ही प्रोसेस आप लोग भी कीजिएगा, और उसके बाद से आप लोग यहाँ से बैक आ जाइएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से बैक आ जाइएगा, आप लोग का फ़ोटो एडिट्स में सेव हो जाएगा। उसके बाद से अपने सिंपल वाले फ़ोटो को फिर से ले लेंगे, और इस फ़ोटो को शेयर कर लेंगे, और लेकर चले जाएंगे पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, पिक्सार्ट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग अगर यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोग कभी भी फ़ोटो एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे फ्रेंड्स। बस इतना हो जाने के बाद यहाँ जो नीचे की तरफ एफएक्स वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे, और फिर यहाँ जो ब्लर वाला ऑप्शन है इस पर आ जाइएगा, और उसके बाद से यहाँ जो ब्लर वाला ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, ब्लर वाला, इस वाले फ़िल्टर को ले लेंगे, और फिर यहाँ से डन कर लेंगे। और उसके बाद से आप लोग का चैनल का जो भी नाम होगा फ्रेंड्स, जो भी, जैसे मेरा एक लोगो है CK एडिटिंग स्टार नेम से, आप लोग का चैनल का जो भी नाम होगा उसके नाम से कोई लोगो होगा तो उसको रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे चैनल का लोगो। सिंपली इसको क्रॉप करके कुछ इतना तक हम रखेंगे, आप लोग अपने साइज से रखिएगा, और उसके बाद इसको जूम करके कुछ अच्छे से यहाँ पे बैठा लेंगे फ्रेंड्स। और बस इतना हो जाने के बाद यहाँ जो नीचे की तरफ टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद से यहाँ टाइप करेंगे नेचुरल
स्क्रीन प्रीसेट, यही आप लोग भी टाइप कर लीजिएगा और उसके बाद से इसको जूम करके कुछ इतना तक हम रखेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद से यहाँ जो कलर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और आप लोग जिस भी कलर का बनाइएगा फ्रेंड्स वैसा ही कलर इसमें ऐड कर लीजिएगा। जैसे मैं नेचुरल ग्रीन बनाया हूँ तो यहाँ पे नेचुरल ग्रीन प्रीसेट लिखा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा। और फिर यहाँ जो नीचे की तरफ स्ट्रोक वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे और इसके अमाउंट को कुछ इतना तक रखेंगे 30 तक, आप लोग भी इतना रख लीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ जो नीचे की तरफ शेडो वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे और इसके ऑपेसिटी को पूरा 100 कर लेंगे और फिर यहाँ से डन कर लेंगे। और इतना हो जाने के बाद हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे फ्रेंड्स, आप लोग का फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। और उसके बाद से अपने इस सिंपल वाले फ़ोटो को जो आप लोग ने एडिटिंग किया है इस वाले फ़ोटो को हम शेयर कर लेंगे और लेकर चले जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। अब आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग का प्रीसेट कितना मस्त तरीके से एडिटिंग होगा। सिंपली आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन में जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ से बैक आ जाइएगा फ्रेंड्स। उसके बाद से आप लोग का फ़ोटो जो आप लोग एडिट किए थे उस वाले फ़ोटो को लेंगे, वो फ़ोटो हमारे यहाँ जो एडिट्स वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें होगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और ये रहा हमारा फ़ोटो। इसको लोडिंग होने देंगे और उसके बाद से यहाँ जो 3 डॉट दिख रहा है ऊपर की तरफ उस पर क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ जो कॉपी सेटिंग वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेंगे और इस ज्योमेट्री को और फिर मास्किंग और हील को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से डन कर लेंगे। उसके बाद से अपने सिंपल वाले फ़ोटो को ले लेंगे जो आप लोगों ने अभी पिक्सआर्ट से एडिट करके यहाँ पे अप्लाई किया है, इस वाले फ़ोटो को इसमें ले लेंगे और उसके बाद से यहाँ जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स 1 क्लिक में हमारा फ़ोटो कितना मस्त तरीके से एडिटिंग होकर रेडी हो चुका है। तो आप लोग को प्रीसेट इतना तो समझा ही दिया कैसे बना है फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग को प्रीसेट को प्रीसेट में कैसे क्रिएट करना है ये भी आप लोग सीख लीजिए। बस आप लोग को यहाँ जो शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ जो एक्सपर्ट एस वाला ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ जो सेटिंग दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे और इसको स्माइल में रखेंगे और इसका JPG रखेंगे फ्रेंड्स, इसका JPG और फिर इसका 90% क्वालिटी को पूरा 100% कर लेंगे और उसके बाद से यहाँ से डन कर लेंगे फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोटो गैलरी में सेव हो रहा है। तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से प्रीसेट बनाना सीख ही गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छे तरीके से पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे भी ऐसे फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।